अस्सलाम वालेकुम गाइस, पहला व्लॉग, थोड़ा नर्वस हूँ। अल्लाह ताला के करम के साथ और फजल के साथ आज जुमे का दिन था, तो आज हमने जुमा जो है माशाल्लाह से अदा कर लिया है। अभी बहरिया टाउन में इस टाइम मौजूद है हम, तो हम जा रहे हैं इस वक्त। हमारा जो प्लान है वो बना है हाल रोड जाने का। तो भैया, हाल रोड इसलिए जा रहे हैं, हाल रोड जाने की जो रीज़न है, असल रीज़न है वो ये है कि उमर भाई का एक टैब है, वो टैब जो है पिछले 15 दिनों से ख़राब है, तो हमारा चक्कर नहीं लग रहा था वहाँ पे, ताकि हम उसको जो है सही करवा सकें। तो ये भैया वो टैब है जिसको हमने ठीक करवाना है। चार्जिंग उठा लें, पावर बैंक अगर ज़रूरत है उसकी तो वो भी साथ लाजमी उठा लें, फ़ोन उठा लें, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये सारी काम आएंगी। तो आज हम लोग आपको हाल रोड की सैर करवाते हैं, हम खुद भी सैर करेंगे और आप लोगों की भी वहाँ पे सैर करवाएंगे। उमर भाई ने बैग तैयार कर लिया है। उमर भाई, और कोई चीज़ रहती है? नहीं, बस सारा कोई चीज़ रहती है तो देख ले, बस अब निकलते हैं। स्प्राइडर की चाबी लिए, स्प्राइडर की चाबी भी है। जाते जाते एक चीज़ और भूल गए उमर भाई। तो भैया, हेलमेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाहौर शहर जा रहे हैं तो हेलमेट जो है वो लाजमी है, और बाइक पर जाना है हमने। तो ये भैया हमारी बाइक है, इस पर हम जा रहे हैं। उमर भाई अभी रेडी हैं, इसको ड्राइव ये खुद ही करेंगे, क्योंकि इस बंदे की बाइक है तो इसको जो है मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ पे हम रुके हैं, तो यहाँ पे जो है पीछे वाला जो टायर है उसकी जो हवा है वो चेक करवा रहे हैं उमर भाई, क्योंकि ये जो है ये लाजमी चेक करवाएं जब भी आप सफ़र करें, थोड़ा लंबा जा रहे हों तो ये लाजमी करवाइएगा। तो भैया, सीन ये है कि हम जब वहाँ से निकले तो रास्ते में सकी भाई की कॉल आई। सकी भाई मीन्स सकलैन भाई, तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनकी जब कॉल आई तो वो कहने लगे कि आज फ्राइडे है, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। तो मैंने उनको अपना प्लान बताया, मैंने कहा आप जो है रेडी रहें, हम आपको पिक करते हैं और आपको भी साथ लेके चलते हैं। हमारा जो पहला व्लॉग है वो उसमें जो सकलैन भाई है वो भी ज्वाइन करेंगे हमें। अभी चलते हैं सकी भाई के पास, वहाँ जा के बाकी सिचुएशन आपको बताएँगे। घट नहीं, इसका इसका क्या चल जाएगा ना काम, हैं तो नुकसान तो नहीं होगा ना। इधर देखो, कैमरे में देखो बात जी। तो सकलैन भाई के पास पहुंच गए हैं, सकलैन भाई का जो घर है वो मैं आपको दिखाता हूं, उसके पास पहुंच गए हैं। तो उमर जो है अंदर चला गया है उसको लेने के लिए, मैं इस वक्त बाहर ही खड़ा हूं। तो ये भैया ये वाला है, ये सकी भाई का घर है जहाँ पर वो रहते हैं। उमर की बाइक ये खड़ी है और उमर जो है अंदर गया हुआ है उसको घर से बुलाने के लिए। तो सकी भाई जैसे आएंगे तो फिर आगे का सफ़र शुरू हो जाएगा। उमर को कॉल कर रहा हूँ कब से, अभी तक कॉल नहीं उठा रहा। ये देखें सामने, ये बंदा आपको बुलाने के लिए गया था, ये अंदर आपके साथ क्या करने लग गया था? तकरीबन आधे घंटे से मैं बाहर आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। भाई आगे कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ भैया, ठीक हैं। और इसको तो जानते हैं ना, ये बंदा अंदर भाई को बुलाने के लिए गया लेकिन आधा घंटा मैं इंतज़ार करता रहा हूँ भाई, ये साहबजादे अब आ रहे हैं। सकी भाई सीधी सीधी बताएं, ये अंदर क्या करता रहा है? इतने दिनों बाद मिले हैं तो आपको पता है लाडियाँ हो रही थी। हाँ, प्यारा भैया बना, देखा ना लाडियाँ हो रही थी, मुझे पहले से पता था। पैसों का हिसाब किताब हो रहा है दोनों का, मेरी जेब में इतने खड़े हैं, वो कह रहे हैं मेरी पॉकेट में इतने खड़े हैं। सकलैन भाई एटीएम के अंदर हैं, पैसे निकलवाने के लिए गए हैं। अब देखते हैं कि सकलैन भाई जो है वो कितने पैसे निकाल के ले आते हैं। और ये जनाब जो है ये बिज़ी खड़े हैं कॉल पे, जितनी कॉल इस बंदे को आती है ना शायद ये किसी को आती हो, मेरा मानना है। सकी भाई कितने पैसे निकाले हैं? सिर्फ 500 का नोट।
इसका क्या करना है? 500 का यार गरीबा मोमेंट है। उमर का एक टैब है, शायद आपको बताया उसने, पिछले 15 दिनों से वो जो है ख़राब पड़ा है, तो उसको बड़ी सख्त ज़रूरत है डॉक्टर की, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, तो दुआ करें कि उसकी ज़िंदगी बच जाए, देखते हैं और वो ठीक हो जाए जल्द अज जल्द। ठीक होगा तो सारी सी बात है, उसको यूज़ करेंगे। हाँ टैब दिखा दिए इनको। यार ये बंदा जो है धोखा कर रहा है, किस चीज़ के पैसे भाई बताओ? मेरे अपने पैसे हैं। जान भी समझाएं यार, आप इसको समझाएं यार। ये यार पूरा मुल्क का पैसा खा के लंदन चले गए हैं, वो नजर नहीं आ रहा मेरे बस यार। अबे यार वो हुकूमत है यार, हुकूमत से क्या लेना देना हम लोगों का। जी तो यहाँ पे रुके हैं क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ हमने, और यहाँ पे बाइक खड़ी की है। सखी भाई हैं मास्टर बिरयानी, भूख से जो है हालत ख़राब हुई पड़ी है। यहाँ पे टू सिंगल दादा अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। क्या डिसाइड हुआ है मेन्यू में? यार हमने दो सादा लिए। दो सादा? आप भी सादा खाने वाले हैं? यार मुझे चिकन वाली खिला दो। हमने चिकन के लिए थे, आप पहले बता देते। अब सादा होगी? हाँ सादा होगी। आप लोगों ने मुझसे पूछा ही नहीं यार कि आपने कौन सी बिरयानी खानी है, आप लोगों ने खुद ही ऑर्डर दे दिया। यार आप ना यहाँ की बिरयानी नहीं जानते, हमने कहा हम आज आपको अपने पसंद की बिरयानी खिला। चलें ठीक है, आज जो है स्कैन भाई की तरफ से देखते हैं कैसा टेस्ट है, आपको भी दिखाते हैं। ये उमर के लिए है, ये उमर भाई कह रहे हैं कि एक और मंगवा लें, तो स्कैन भी कह रहे हैं कि मिल के ये खाने में जो है बरकत है। बिरयानी जो है वो हमारी आ चुकी है। ये बोली थी ये कैसा टेस्ट है? क्या है बनाओ यार कोई रिव्यू भाईजान। भाई 10 out of 10। आपने भाईजान अभी शुरू कर रहे हैं क्या करें? अरे बरकत यार, मैंने तो फिनिश कर ली है, अब ये दोनों रहते हैं। जी भैया गरम कर। नहीं यार खत्म करो इसको। अरे सिंगल भैया सगी भी खत्म हो जाएगी यार, क्या नहीं हो सकता दुनिया में, दुनिया में तो बहुत कुछ हो सकता है। हर चीज ने खत्म होना है, बिरयानी पे बात चल रही है हमारी। हर चीज ने खत्म होना है, इसने भी मर जाना है, आपने भी मर जाना है, मैंने साल दो साल के बाद के मर जाना है। हो गया दो सादा बिरयानी का और 170 का, वो 670 हो गया। ट्रैफिक के लिए कौन से कवानीन बनाने चाहिए हमें जिससे हमारे मुल्क में जो है ये ट्रैफिक का मसला हल हो जाए? यार अभी बैठो, कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ रही हैं। ये मॉल रोड के ऊपर एहतजाज हो रहा है और हमारे जो हालात हैं ये आपके सामने हैं। चलें सो फाइनली गाइस हम जो है यहाँ पे पहुँच आए हैं हॉल रोड के ऊपर। रास्ते में काफ़ी जो है प्रॉब्लम जो है उनका सामना करना पड़ा है, लेकिन इस वक्त हम पहुंच रहे हैं और सीन जो है आपके सामने, आज रश है इस वजह से कि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे से आगे जो है आपको पता है वीकेंड शुरू हो जाता है, वीकेंड की वजह से जो है लाहौर शहर में काफ़ी रश रहता है। उमर भाई वो सामने चलगोज़े लेने के लिए गए हैं, अब पता नहीं चलगोज़े लेते हैं या कोई और, देखते हैं क्या लेने के लिए गए।
हम जो है डॉक्टर साहब के पास आए तो डॉक्टर साहब ने जो है जवाब दे दिए कि ये जो आपका आईपैड है ना ये नहीं बचा पाएंगे, इसको हम नहीं बचा पाएंगे। उमर क्या कहोगे, क्या कहोगे आप अपने आईपैड के बारे में? ये नहीं कह सकते हैं पैसे ज़ाया हो गया, चीज़ भी ली, काम भी नहीं बना। तो ये कहाँ से मंगवाया था भाई? मैंने दुबई से मंगवाया था, शारजा से मंगवाया था, जमजम वालों से। अच्छा, बड़े खुश होते हैं जब दुबई से चीज़ आए ना। सकी भाई अफसोस हुआ यार इस चीज़ का भाई। मुझे तो नहीं हुआ, मुझे पहले पता था। आपको पहले से पता था? तो डॉक्टर साहब ने भाई जवाब दे दिए सामने, डॉक्टर साहब ने हमारे, उन्होंने कहा आपका जो आई पैड है ना ये नहीं बचेगा, इसको ले जाएँ किसी बड़े हॉस्पिटल में बाहर। रहमान रहीम, सबसे पहले आप लोगों को देखने वालों को मेरे तरफ से सलाम, बाद के सलाम। आप आए हुए भाई आए हुए हैं लाहौर बिरयानी और यहाँ पे पीस खाने के लिए, और यहाँ पे मिलता है बिरयानी, लेग पीस, नान, रायता, सलाद, चावल। आए और लाहौर बिरयानी विजिट करें। इसकी लोकेशन बता देंगे कहाँ पे है? ये जो है शालमी मार्केट में है और बड़ा नेशनल मार्केट के साथ जो दुबई सेंटर में वाकिया है मौजूद है इस टाइम, और सब लोग आते हैं खाने के लिए, विजिट करने के लिए। आप भी आए, फैमिली के साथ आए, अपने दोस्तों के साथ आए, अपने कज़न के साथ आए, अपने प्यारे भाई के साथ आए, और अपनी सब फैमिली को ले गए हैं, छोटे बच्चों के भी ले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह बनाई है हमने, इंग्लिश जगह बनी है, और विजिट के लिए सब लोग आते हैं। आप भी आए जी। सगी भाई क्या लग रहा है? यार मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा है। तो टेस्ट करें ना भाई, टेस्ट करके मुझे बताएं, फिर मैं वो कहते हैं ऑप्टिमम बाइट वो लूँगा जी। मज़े का? मज़े का है, बहुत मज़े का। लेकिन इसके साथ सॉस भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना टेस्टी है। इसका जो मसाला खाने में मसाला है ना जो, इस वजह ज़्यादा मज़े का लग रहा है, चिकन का फ्लेवर आ रहा है। बिल्कुल ट्राई करें। दबा दिया, क्लोज ले गया, आ गया, आ गया। बड़ा अच्छा चिकन का फ्लेवर आ रहा है इसमें। मैं आ रहा हूँ मूवी आई, और ये देखें यहाँ पे भाई कैमरा मैन मैंने लगाया है भाई को, एक ये बिल्कुल ही अंदर से जो है फला हुआ, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है। अगर आप शालमी मार्केट में स्पेशल आए हुए हैं लाहौर के, तो आप यहाँ पे आके ना भाई के चिकन पीस ट्राई कर सकते हैं। कर लें, नहीं करेंगे तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन करना लाजमी है। थैंक यू। फाइनली घर पहुँचे हैं और भाई के अंदर जा रही है। मैं अगर अपना आपको बताऊं तो आज का जो दिन था बहुत मुश्किल था। एक तो रश बहुत ज़्यादा था, और जो दरमियान का व्लॉग है वो मैं बना नहीं सका। तो अभी हम आए हुए हैं सकी भाई के घर, सकी भाई को ड्रॉप करते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने घर जी। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने रूम पे। आज के दिन काफ़ी मुश्किल था, मेरा पहला व्लॉग है, तो आप सबका प्यार और आप सबके जो है दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप खुश रहें, सलामत रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अब आप अपने भाई ज़िशान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग।